एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट क्लासे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाइम एंड वर्क को लेके। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज की सेशन में मैं कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। मतलब टॉपिक हमारा वही होगा, लेकिन कुछ और क्वेश्चन को लेके हम बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा कि इसके पहले मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको जरूर देखिएगा। उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ। तो आज के टॉपिक पे जो हमारा क्वेश्चन सेशन होगा वो किस तरह का होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि वो होगा हमारा शेष काम से संबंधित। किससे होगा? शेष काम पर आधारित प्रश्न। शेष काम पर आधारित प्रश्न, इस प्रश्न पे आज हम बात करने वाले हैं। तो नोटिस कीजिएगा कि फिर से मैं कह रहा हूं कि भाई हमें कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आज पढ़िए या फिर 5 साल 10 साल बाद पढ़िए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन उसी तरीके से आप कम से कम सॉल्व कर लेंगे। रही बात ट्रिक की तो वो भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि आप ट्रिक सेलेक्ट करेंगे या कॉन्सेप्ट। ठीक है, दोनों तरीका बताऊंगा क्योंकि मेरा हर वीडियो हर एक से अलग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, शेष काम पर आधारित पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। हमारा जो टॉपिक है वो शेष काम पर आधारित, ध्यान दीजिएगा, शेष काम पर आधारित। ठीक है, शेष काम से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और देखिए मैं क्या करता हूं, पहला मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, पहला और दूसरा दो तरीके बताऊंगा। दोनों तरीके में आप जो तरीका आपको पसंद है वो तरीका आप सिलेक्ट कीजिएगा। पहला तरीका मैं आपको पहला बताऊंगा। देखिए पहले तो मैं आपको ट्रिक ही बता दूंगा भाई, पहला ट्रिक बता दूंगा जिसके लिए आप बेचैन रहते हैं। दूसरा तरीका मेरा तरीका होगा। किसका? मेरा तरीका होगा, यानी कॉन्सेप्ट। क्या होगा? कॉन्सेप्ट। दोनों तरीका मैं बताऊंगा, दोनों तरीकों से मैं आपको विद इन 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। मैं 5 सेकंड नहीं बोलूंगा भाई, 5 सेकंड इसलिए 5 सेकंड तो बोलने में ही खर्चा हो जाता है ना। तो 1 मिनट विद इन 1 मिनट के अंदर, यानी 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए पहला तरीका बता देता हूं। पहला तरीका जो हमारा है वो ट्रिक है, और ट्रिक से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि ए किसी काम को, एक बंदा ए है जो किसी काम को 20 दिनों में करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। बी है उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। भैया ए अकेला, अगर यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर ए अकेला किसी काम को करता है तो समाप्त करता है 20 दिन में, बी अगर उसी काम को समाप्त करता है तो वो अकेला करता है 25 दिन में। अब ये कह रहा है कि मान लो अगर बी अकेला 10 दिनों तक करता है, अगर बी उसी काम को 10 दिनों तक करता है फिर उसके बाद छोड़ देता है, तब बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो एक तो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक पे क्वेश्चन आप तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो मान लिया ए कर रहा है एक्स दिन में। कितने दिन में? ए एक्स दिन में कर रहा है। दूसरा बंदा वाई है, वाई मतलब दूसरा बंदा जो बी है वो उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। यहां हमने 25 को मान लिया वाई, हमने ए को मान लिया एक्स दिन में करेगा और बी को मान लिया वाई दिन में कर रहा है। तो बी अकेला 10 दिनों तक किया, अच्छा 10 दिन यानी टाइम दिया है, तो इसको मान लिया टी। कितना क्लियर है? तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा। ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक देखिए ये है, ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम यहां एक्स लिखेंगे, एक्स को बाहर रखेंगे, उसके बाद वाई माइनस टी करेंगे, एक्स को बाहर रखेंगे वाई माइनस टी करेंगे, अपान में लिखेंगे वाई, बटे कितना लिखेंगे वाई। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां ए का काम निकालना अकेले, तो एक्स वाई का यहां रहेगा, एक्स ऊपर वाई नीचे। अगर b का होता तो y ऊपर आता, x नीचे आता, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। b की बात आए तो ये सेम उसी का उल्टा हो जाएगा, नोटिस कीजिएगा, सेम उसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ x है तो वहां y हो जाएगा, यहाँ y है तो यहाँ x हो जाएगा, इस तरीके यहाँ y है तो यहाँ x हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब होता है कि जो जैसा है बस वैसे करते जाइए, इसी का रिवर्स हो जाएगा जब हम b का निकालेंगे। तो अभी मुझे a का निकालना है, बस आप इसी पे रख दीजिए, इसी ट्रिक पे रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। कैसे? x है, x कितना है? 20 है ना। उसके बाद y कितना है? 25 है। माइनस t कितना है? 10 है। y कितना है? 25 है, 25। अब आ जाइए इसको सॉल्व कीजिए, चलिए 20 बाहर है, पहले ब्रेकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रेकेट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15, अपान कितना आ गया? 25।
20 × 15 हमने कहा ब्रेकेट में कोई चीज हो और उसके बाहर कोई नंबर हो, अगर दोनों के बीच कोई सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो 15 × 30 यानी 300 / कितना आ गया 25, काटिए 25 बन जा 25, कितना बचा 5, 0 हो गया, 25 × 50 यानी कितना आ गया 12 days 12 दिन। आंसर हमारा क्या आ गया 12 दिन। कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया, ये तो समझाने में टाइम लग रहा है ना, बाकी आप इसको ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूं, मेरा तरीका जो कॉन्सेप्ट जो मैं यूज करता हूं। देखिए मेरा तरीका क्या कर, मैं क्या करता हूं, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दूसरा तरीका जो मेरा तरीका है वो तरीका है कॉन्सेप्ट। क्या है? कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्वेश्चन जैसे कह रहा है बस वैसे समझिए, वैसे लिखते जाइए। कैसे करना है? ए कर रहा है 20 दिन में, यहां मुझे एक्स वाई नहीं मानना है, कॉन्सेप्ट में यही फायदा है भाई, मुझे एक्स वाई नहीं मानना है। ए कर रहा है 20 दिन में, मैंने लिख दिया यहां ए करेगा 20 दिन में, चलिए। बी कर रहा है 25 दिन में, यहां मैंने लिख दिया बी उसी काम को कर रहा है 25 days। ठीक, अब क्या कर रहा है कि बी अकेला 10 दिनों तक किया, चलिए वो अभी करूंगा, लेकिन पहले इसका क्या करना है, पहला काम एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से हमें टोटल काम निकल के आ जाएगा, क्या निकल जाएगा टोटल काम। तो 20 और 25 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, बड़े संख्या का टेबल पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक इन दोनों से कट ना जाए। 25 × 25 = 25 50 यानी 25 × 50 नहीं कटेगा, 25 × 75 नहीं कटेगा 20 से, 25 × 100 100 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो ये 100 क्या आ गया टोटल वर्क, कुल काम आ गया हमारा 100। ध्यान से समझिएगा टोटल वर्क क्या आ गया 100। अब मुझे निकालना है कि अगर ये 20 दिन में कर रहा है 100 काम तो एक दिन में कितना करेगा, तो 20 × 5 = 100 एक दिन में करेगा 5 काम, बी एक दिन में करेगा सॉरी ए करेगा एक दिन में 5 काम। अब बी अगर 25 दिन में 100 काम कर रहा है तो एक दिन में करेगा 4 काम। एफिशिएंसी निकालनी है, पहला काम मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उसकी मुझे क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है ना, उसकी क्षमता क्या है, एक दिन की क्षमता क्या है। तो इसकी एक दिन की क्षमता है 5 काम और इसका एक दिन का क्षमता है 4 काम, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अब जब मुझे पता चल गया कि एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, अब कह रहा है बी अकेला 10 दिनों तक किया, अब यहां कुछ ना रही है बी अकेला 10 दिन तक किया। अच्छा ये बताइए बी अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा, एक दिन में 4 काम तो 10 दिन में करेगा 4 × 10 = 40 काम, एक दिन में 4 काम 10 दिन में 40 काम। अच्छा ये बताइए जब 40 काम ये 10 दिन तक कर दिया तो लिखा है शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये बताइए शेष काम कितना बचा, ए जब 4 बी जब जो है 4 दिन 10 दिन तक 40 काम कर दिया तो कितना बचा भैया, माइनस कर दीजिए 60 बचा ना, कितना बचा 60 बचा, तो ये जो 60 बचा ये कौन करेगा, बी ए करेगा, ये जो करेगा ना जो शेष काम बचा है ये ए करेगा, इस 60 काम को करेगा ए। तो कैसे करेगा, कितने दिन में करेगा, तो बताइए एक दिन में 5 काम, ए अकेला करता है, यहां देखिए ए अकेला एक दिन में 5 काम करता है ना, तो बताइए 60 काम कितने दिन में करेगा, तो 60/5 60/5 यानी 12 दिन में, कितने दिन में करेगा 12 दिन में, है ना। तो मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन जैसे कहा मैंने वैसे ही सॉल्व कर दिया। आप इस तरह से कर सकते हैं, चलिए सिस्टमेटिक बता देता हूं। सिस्टमेटिक का मतलब ये होता है, यहां देखिए ए 5 काम करता है, 5 काम करता है एक दिन में, ठीक, तो एक काम करेगा 5 कितने दिन करेगा, एक काम करेगा यहां देखिए सॉरी 1 मिनट 5 काम करता है एक दिन में, तो एक काम करेगा 1/5 दिन में, कितना करेगा 5 काम करता है एक दिन में, तो एक काम उस काम का 5वां भाग करेगा, तो बताइए 60 काम करेगा 60/5 यानी बस
ये मेरा तरीका है, कॉन्सेप्ट तरीका है, ठीक है, कॉन्सेप्ट लेवल है। तो इस तरीके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, समझ में। अब देखिए क्या होता है कि अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया था कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, अब मान लीजिए आपसे ये कहा था कि बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा, जैसे मान लीजिए इससे उल्टा हो जाता, जैसे यहाँ पे लिखा है कि पूरा काम करता है, अब यहाँ पर ये दे देता कि ए अकेला 10 दिनों तक काम किया, तो शेष काम बी अकेला कितने दिन में करेगा, शेष काम बी अकेला कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। तो अब आप कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट जो होता है वही आपको करना है, बशर्ते यहाँ पे ये काम करना आपको कि ट्रिक जो है, जो आपका ट्रिक है जो मैंने आपको बताया था। अच्छा ये बताइए ए अकेला कितने दिन में करेगा, ट्रिक क्या बताया था मैंने ट्रिक यही बताया था, एक्स वाई माइनस थ्री अपान वाई, ये बताया था ना, केवल आपको उल्टा कर देना, कुछ नहीं करना है, यानी उसी का रिवर्स कर देना, रिवर्स यहाँ रिवर्स मैंने बात की, देखिए कहने का मतलब है जहां केवल जो अच्छा है उसी को चेंज कर दो बस, केवल देखिए कैसे करना है। अब यहां पे मुझे बी निकालना है, तो बी का शेष काम, बी शेष काम करेगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखिए बी शेष काम करेगा, तो बी शेष काम करेगा कितने दिन में, ये पूछ रहा है, बी शेष काम करेगा, तो यहां जो एक्स है यहां लिख दीजिए वाई, और यहां जो y है यहां लिख दीजिए x माइनस टी, यहां y है यहां लिख दीजिए x, बस कुछ नहीं करना है। अब इसी को आप रखते जाइए, y है तो y कहां गया, ये मैंने माना था x, और दूसरा जो काम किया इसने 25 ये माना था y, है ना, ये माना था t, यही था समय t, x a वाला काम x, b वाला काम y। अब इसमें आपको y देना है तो y कहां है, 25 है, चलिए यहां लिख दिया 25। अब यहां क्या जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ 20 दे दिया, 20 माइनस 10 टी 10 है, अपान यहाँ क्या था x था, x क्या है 20 है, कर दिया, अब इसी पर रख दीजिए, तो यहाँ कितना जाएगा 25, और 25 20 माइनस 10 बराबर 10 आएगा ना, यानी 25 गुणे 10 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया, तो 25 दाम है 250 है ना, और बटे 20 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 25 अपान 2, यानी इसका मतलब आ जाएगा यह आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना बचा रिमाइंडर है 12 सही 1/2 दिन, यानी बी जो है बी अकेला उस काम को करेगा 12 सही 1/2 दिन में। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन वही है, बस मैंने क्या किया उसी ट्रिक के माध्यम से कर दिया। अब कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी तरीके से कर दीजिएगा आप, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आप भी अपना प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन आप मुझे कॉन्सेप्ट लेवल पे अब बता सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको भी सॉल्व कर, चाहे ट्रिक से सॉल्व कीजिए, चाहे जो मैं कॉन्सेप्ट बताया उसके तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारा है टाइप नंबर 7, क्या है टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 भी हमारा शेष पर आधारित क्वेश्चन है, देखिए शेष काम को समाप्त करेगा, लेकिन यहां क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए दोस्तों एक चीज मैं पे बता रहा हूँ, पहले से मैं ट्रिक ही बताऊंगा, लेकिन क्या होता है कि फिर से जब आप ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। अच्छा ट्रिक चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, केवल ट्रिक चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ट्रिक पे ही बताऊंगा और तुरंत बताऊंगा, मतलब फिर से बता रहा हूँ विद इन 30 सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः का मतलब ये 10-20 जैसे इस तरह से ए पहले ए आ रहा बी आ रहा उसी तरह 10 और 20 आ रहा, इसका मतलब ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी अकेला उसी काम को करता है 20 दिन में समाप्त करता है। अगर उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों मिलके, मान लीजिए अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और 5 दिन तक किया उन्होंने, उसके बाद एक काम छोड़ देता है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों मिलके 5 दिन तक करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है, तब बी शेष काम को समाप्त करेगा, तो बी जो है वो शेष काम को समाप्त करेगा। देखिए चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रिक क्या है पहले ट्रिक देखिए, ट्रिक दोस्तों ट्रिक ये है कि आपको अगर मैं ट्रिक कह रहा हूं कि ए कर रहा, मान लीजिए चूंकि ए पहले आता है और इधर वर्णमाला में एक्स पहले आता है, इसलिए मैं एक्स मान रहा हूं, ए के लिए ए कर रहा मान लीजिए एक्स दिन में, बी कर रहा मान लीजिए वाई दिन में, ठीक, और समाप्त करते हैं 5 दिन, 5 दिन आपका हो गया टी, यहां तक हो गया, तो एक समाप्त कर, तो एक काम करना छोड़ दिया तो बी शेष काम को करेगा,
ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्रिक क्या है, बी के लिए बी सेस काम करेगा, ध्यान दीजिएगा बी सेस काम करेगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई टी अपॉन एक्स, बस यही आपका ट्रिक होगा, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई टी अपॉन एक्स, टी अपॉन एक्स, ये ट्रिक होगा माइनस एक्स प्लस वाई टी अपॉन एक्स। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए अगर ये पूछ लेता कि ए करेगा, ए सेस काम करेगा, ए सेस काम करेगा, तो ए सेस काम करेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ए जो है सेस काम कब करेगा, इसी का सेम कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला वैसे ही रहने देना है, माइनस एक्स प्लस वाई टी अपॉन वाई हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ये है आपका क्वेश्चन। मान लीजिए पूछ लेता ए सेस काम करेगा, अगर दोनों यहां पे ए पूछ लेता तो ए सेस काम करेगा, ये आपका हो जाएगा फार्मूला, केवल एक्स के बदले वाई रख देना है। चलिए पहले मैं इसको निकाल लेता हूं, क्वेश्चन का बी सेस काम करेगा, ये मैं आपको पहले सॉल्व कर देता हूं। देखिए तो ये आप दोनों नोट कर लीजिए और देखिए इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए अब यहां पे क्या दिया है एक्स वाई, तो एक्स वाई का मतलब दोनों के बीच में कोई सिंबल यानी गुणा है, एक्स हो गया 10 वाई हो गया 20, यानी 10 गुणे 20 माइनस एक्स यानी 10 है 10 प्लस 20 टी कितना है 5 है, अपान क्या करना है एक्स, एक्स कितना है 10 है। अब देखिए एक चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको नंबर सिस्टम याद होना करना पड़े, मतलब सिंप्लीफाई जब आप करते हैं तो उसका नियम आपको पता होना चाहिए कि नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले हम बोर्ड मास पढ़ा है ना, पहले हम ब्रेकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रेकेट के पहले ये पोजीशन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा, आप या तो ऐसे कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 20 10 30 कितना हो जाएगा, यहां से हम करते हैं 20 10 30 हो गया, ये ब्रेकेट में हो गया, यहां माइनस है 20 दाम है 200, ये हो गया 5, चलिए अपान कितना आ गया 10। अब देखिए इसको अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले हम गुणा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों के बीच गुणा है ना, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए 5 × 15 ये हो जाएगा 200 माइनस 150 कितना हो जाएगा 150, देखिए 200 माइनस 30 × 5 = 15 150 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 200 माइनस 150 बराबर 50 अपान 10, तो कितना हो गया 5 दिन। तो बी शेष काम को करेगा 5 दिन में, बी शेष काम को करेगा 5 दिन में, ये हमारा ट्रिक अकॉर्डिंग हमने यहां पे सॉल्व किया, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है कि इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा तरीका क्या होता है। देखिए अब देखिए इसी तरह मान लीजिए ये ट्रिक है, मान लीजिए ए का पूछता, मान लीजिए आपसे कहता ए का, देखिए तो ए का यहां पे मैं क्या कर दूंगा, अगर ये कहता ए सेस काम करेगा, ध्यान समझिएगा, अगर ये कहता ए सेस काम करेगा तब यहां पे मैं लिख देता वाई, केवल इतना ही करना था, यहां लिख देता वाई, अब वाई लिख दे तो यहां पे मुझे क्या चेक कर देना था, 10 था 20 कर देना था, बस यहां पे मेरा 20 आ जाएगा, बस इतना समझिएगा, यहां आ जाएगा 20, ठीक है, यही आएगा बाकी कुछ नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 20 × 40 दो सही 1/20 × 40 यहां बचा 10/20 तो ये आ जाएगा 2 सही 1/2 दिन, 2.5 दिन में करेगा, यानी उसी काम को ए जो है 2.5 दिन में करेगा, इस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट में मेरा तरीका है, देखिए तो मेरा जो तरीका है मैं क्या बताता हूं, देखिए यहां पे मुझे ये बताना है कि जैसे मान लीजिए यहां पे बी था ना, बी से इस काम करेगा यही था, तो देखिए मेरा तरीका 5 दिन आया था, 5 दिन ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए अगर ए प्लस ए करता है, देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है ए करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में, ठीक, अब क्या करता है कि ए 10 दिन में बी 20 दिन में, दोनों का आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, पहले काम टोटल वर्क, तो टोटल वर्क लासा दीजिए, यहां लासा देखिए क्या होगा, हाईएस्ट
अगर देखेंगे तो ये जो इन दोनों का क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, तो 20 ले लीजिए, 20 वन जा मतलब 21 जा 20। अब अगर 10 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब ए जो है 10 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में करेगा 2 काम, बी जो है 20 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में करेगा 1 काम, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए दोनों मिलकर कितना करेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी का एक दिन का काम, का एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, यानी ए और बी एक दिन में 3 काम करेंगे दोनों मिलके। अब यहां पे क्या कर रहा है, उन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो बताइए दोनों ने 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन का मतलब कितना हो जाएगा, 3 × 5, 5 दिन में कितना काम किया, 15 काम। तो ये जो 15 काम आया तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा, तो शेष काम कितना आया, पहले शेष काम निकाल लीजिए, तो यहां निकालेंगे शेष काम बराबर, देखिए यहां हम देखेंगे शेष काम, शेष काम बराबर क्या जाएगा, तो ये 15 माइनस कर देंगे, -15 = 5, शेष काम बराबर क्या जाएगा, 5 काम आ जाएगा। तो ये जो शेष काम बचा है इसको कौन करेगा, बी करेगा। तो देखिए बी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, ध्यान समझिएगा, बी जो है बी एक काम कर रहा है एक दिन में, है ना, एक काम कर रहा है एक दिन में, तो भाई 5 काम करेगा कितने दिन में, 5 × 1 = 5 दिन में, बस आ गया ना, 5 काम करेगा 5 दिन में। ये मेरा तरीका है जो मैं तरीका सॉल्व करता हूं, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये मेरा तरीका है, और जिस तरह मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं आसान सा ट्रिक बता दे रहा हूं बहुत, देखिए अगर ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, ध्यान समझिएगा, तो एफिशिएंसी जो होगी, जो एफिशिएंसी जो क्षमता होगी, इसकी क्षमता इससे दुगनी होगी, क्योंकि ये कम दिन में कर रहा है ना, और ये ज्यादा, उसी के डबल देखो ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर बी 5 दिन में समाप्त करेगा तो ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए ए 2.5 दिन में समाप्त करेगा, 2 × 1/2 दिन में। ये एक कॉन्सेप्ट और था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैंने यहाँ पे 2 तरीके क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी होता जा रहा है, इसलिए आज का सेशन मैं ही कंप्लीट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको लग रहा है कि वीडियो आपको आपको बेनिफिट आपके लिए होगा, तो प्लीज वीडियो को बस 1 सब्सक्राइब, 1 लाइक और 1 शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक इसलिए क्योंकि मैं इससे कुछ और बेहतर दे सकूँ आपको, ठीक है। तो आप मेरे इस तरह से अगर आप सहयोग बना रहे हैं तो मैं आपके लिए बहुत सारा कुछ करने के लिए प्रयासरत रहूंगा, ठीक है। तो आज के इसलिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड लक।